हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आई एम स्टडी स्मार्ट। आई एम रुचि पांडे, साइंस टीचर, और हम देख रहे थे क्लास नाइन्थ का चैप्टर, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस। इस वीडियो में हम आगे देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली इसके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज इन एग्जॉस्टिबल एंड अनादर विन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। सो एग्जॉस्ट का मीन्स होता है कि खत्म हो जाना या डिप्लेनिश हो जाना। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस जिनका हम यूज करेंगे अगर ज्यादा अमाउंट में तो वो फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। वहीं ऐसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेस जिनका लंबे समय तक यूज करने पर भी वो फिनिश नहीं होते, लगातार वापस बनते रहते हैं, या हम कहें कि इतने ज़्यादा स्पीड में बनते हैं कि उनका ख़त्म होने का हमें एहसास नहीं हो पाता, तो उन्हें हम कहते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। तो जो फिनिश हो जाए, डिप्लेनिश हो जाए, वो है एग्जॉस्टिबल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम हो गया। और इन एग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो कि ख़त्म नहीं होते या समय के साथ समाप्त नहीं होते, जैसे कि एयर होगी, एयर ऑलवेज हमारे आसपास रहेगी, उसे हम इन एग्जॉस्टिबल कह सकते हैं। अब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के भी फर्दर टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एंड अनादर वन इज नॉन रिन्यूएबल। वर्ड में ही है रिन्यूएबल, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो फिर से बन पाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल। एंड ऐसे जो अपन जिनके पास ये एबिलिटी नहीं है या जिनको फिर से बनने में बहुत वर्षों का टाइम लगता है, उसे हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल। मीन्स वो बन तो जाते हैं लेकिन उन्हें बनने में बहुत समय लगता है। ऐसे भी कुछ होते हैं और ऐसे कुछ होते हैं जो वापस से नहीं बन पाते। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेस को अलग अलग भागों में बांट दिया, दैट इज इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल फिर से फर्दर डिवाइड हुए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर की, कि एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स पाई जाती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि फाइव टाइप्स की लेयर है। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एग्जॉस्फियर। अब हम वन बाय वन सबको इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है ट्रोपोस्फियर की, और ये सबसे पहली लेयर है और कह सकते हैं कि ये हमारे अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट है। मीन्स 4 to 12 miles की थीक है वो, ठीक है। कम से कम जो टोटल एटमोस्फियर है, अर्थ का जो एटमोस्फियर है, उसका हाफ जो पोर्शन है वो कौन कवर कर रहा है, ट्रोपोस्फियर कवर कर रहा है। और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा एबंडेंट में पाई जाती है, तो वो है वाटर वेपर एंड डस्ट। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि वाटर वेपर और डस्ट के मिक्सअप से ही क्या बनते हैं, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ट्रोपोस्फियर पे। अगर आपको क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन आता है कि क्लाउड्स कौन से एटमोस्फेरिक लेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ होंगे, ट्रोपोस्फियर में। क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर वेपर और डस्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही वाटर वेपर और डस्ट साथ में मिक्सअप होते हैं तो बनाते हैं क्या, क्लाउड्स। अब क्या होता है, यहाँ पे जो एयर है, जो कौन सी एयर है, वार्मर एयर है, वो किसकी तरफ मूव करेगी, ग्राउंड की तरफ। और जो कोल्डर एयर है, ठंडी हवा है, वो कहाँ जाएगी, हाइट पे जाएगी। मीन्स वार्मर एयर हमें मिलेगी नीचे ग्राउंड पे, और कोल्डर एयर ऊपर की तरफ उठती है और जाती है कहाँ पे, ऊपर, हायर स्पेस पे। नेक्स्ट हमारा होता है, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, ये हमारे ग्राउंड से 31 miles अबव है, ठीक है। मीन्स ट्रोपोस्फियर के बाद आई स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। अब ओजोन लेयर यहाँ पे है, तो यही जो लेयर है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है हीट को, सन की हीट को, साथ में यूवी रेस को भी एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अब एब्जॉर्ब करके इसने क्या किया, हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाया, साथ ही साथ में ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा हाई
या बहुत ज़्यादा लो नहीं हो जाता। अगर ये लेयर नहीं होती तो क्या होता? हमारा जो अर्थ है उस पर दिन में तो सन की रेज आती तो क्या हो जाता, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता, और नाइट में चूंकि सन है ही नहीं या हमसे बहुत दूर है तो उस टाइम पे क्या होता कि हमारी जो अर्थ है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारी ओजोन लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर है, जो कि क्या करती है, इन हीट को कैप्चर करके रखती है, एब्जॉर्ब करके रखती है, और जब हमारे सराउंडिंग में ज़्यादा ठंड वाला अमाउंट हो जाता है तो फिर वो क्या होती है, एयर अपर और डाउन मूवमेंट करती है, जिससे हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती रात में और ना ही दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। देन यहाँ पे ड्राई एयर पाई जाती है और यही वो जगह है जहाँ पे जेट प्लेन्स, क्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें फ्लाई कहाँ करती है, तो इसी रीज़न में करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्राई एयर है बहुत ज़्यादा, और कह सकते हैं कि ये जो एयर है वो 1000 टाइम्स थीनर है दूसरी एयर्स के मुकाबले, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जेट प्लेन्स, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीज़ें चल सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको 1 मार्क्स के लिए कि एरोप्लेन्स, जेट क्राफ्ट, ये कौन से लेयर में ट्रेवल करते हैं, तो ये करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट आता है हमारा मीजोस्फीयर, 3rd नंबर का है, लेकिन ये सबसे कोल्डेस्ट पार्ट है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो -130 डिग्री फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस में -90 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर इतना लो होने के बावजूद भी या होने के कारण इस टेम्परेचर की वजह से जो मीटियोर्स होते हैं वो यहाँ पर बर्न अप हो जाते हैं, ठीक है, जो मीटियोर्स छोटे हैं या जो ये टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते वो यहाँ पे बर्न अप होते हुए हमें नजर आते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टूटते तारे का नाम देते हैं। नेक्स्ट 4th वन लेयर है, दैट इज थर्मोस्फीयर, जो कि 56 माइल्स से स्टार्ट होती है और 310 या 620 माइल्स तक चलती है। मीन्स 310 और 620 माइल्स के बीच में ही जाके क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, दैट इज 2700 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, और यहाँ पे अरोरास देखने को मिलते हैं। अब ये अरोरास क्यों देखने को मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल है स्पेस के यहाँ पर इस एरिया में जाकर, चूंकि टेम्परेचर बहुत हाई है तो बहुत सारे पार्टिकल्स की जो एक्साइटिंग स्टेट है वो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट, और इस एक्साइटिंग स्टेट में वो चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद जो ये कोलाइड होते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और आपको पता ही है कि एनर्जी के साथ साथ पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट भी इमिट करते हैं, तो अलग अलग कलर की लाइट इमिट करते हैं और एनर्जी का भी ब्रेकडाउन होता है। इस वजह से हमें अलग अलग प्रकार के अरोरास देखने को मिलते हैं हमारे थर्मोस्फीयर में। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल स्पेस से यहाँ पर आके कोलाइड होते हैं दूसरे एटम्स और मॉलिक्यूल से, और वो पहुँच जाते हैं अपनी एक्साइटिंग स्टेट में, हायर स्टेट में, और चूंकि हायर स्टेट में चला जाता है उसके बाद एटम्स क्या करते हैं, जो एक्सेस एनर्जी है उसे शेड करते हैं और इमिट करते हैं फोटोन लाइट, फोटोन ऑफ लाइट को इमिट करते हैं, इसलिए हमें अरोरास यहाँ देखने को मिलते हैं। लास्ट लेयर है हमारी 5th वन, दैट इज एग्जोस्फियर, जो कि हाइएस्ट लेयर है और साथ ही साथ में सबसे थिनर लेयर है। यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि ये वाली लेयर है जो कि आउटर स्पेस में मर्ज हो जाती है फिर, ठीक है, देन यहाँ पर डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। किसके डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, तो हीलियम और हाइड्रोजन के डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर की एक ट्रिप जिसमें हमने अलग अलग चीज़ें देखी। अगर हम स्पेसशिप में हैं तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे ट्रोपोस्फीयर में, जो कि ये बहुत पास में आ जाती है, सबसे पहले आती है, और यहाँ पर वाटर वेपर और डस्ट की वजह से हमें क्या देखने को मिले, क्लाउड्स देखने को मिले। फिर हम थोड़ा और ऊपर गए तो
जो हमारी सेकेंड लेयर हमें मिली वो है स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ होती है ओजोन लेयर जो कि क्या करती है, चीजों को मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ठीक था। साथ ही साथ में यहाँ की जो लेयर है एयर की वो बहुत थीन है, ड्राई है, इसलिए हमारे रास्ते में कौन कौन आए, जेट प्लेन्स, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। उसके ऊपर जब हम गए धीरे से ट्रेवल करके तो हमने देखा कि बहुत ठंड लगना शुरू हो गई है, मेन सबसे कोल्डेस्ट पार्ट हमें मिला। और जैसे ही हमें ये मिला वहां पे हमें क्या देखने को मिले, मीटियोर्स देखने को मिले, मीन्स टूटते तारे हमें देखने को मिले, जो हमें दूर से किस प्रकार से दिखाई देते हैं टूटते तारे की तरह, वो एक्चुअली में क्या थे, मीटियोर्स थे। देन हमने थोड़ा और ट्रैवल किया आगे तो हमें देखने को मिले बहुत सारे अरोरास, और ये अरोरास किस लिए देखने को मिले, क्योंकि इस जगह पर टेम्परेचर की वजह से अलग अलग पार्टिकल्स अपने एक्साइटिंग स्टेट में आते हैं एंड देन इमिट करते हैं लाइट। लास्टली हमने एक्सोस्फियर देखा जहां पर हमें हीलियम और हाइड्रोजन के डिस्पर्स्ड पार्टिकल देखने को मिले, बहुत थीन लेयर थी इसलिए हमने फटाफट इस लेयर को कंप्लीट कर लिया और हम कहां चले गए, आउटर स्पेस में चले गए। तो ये थी हमारी अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेयर, आई होप आपको समझ में आई हो। अगर कोई क्वेरी अभी भी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो मैं जल्द से जल्द सॉल्व करूँ। सो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।